तो गाइस हम सिटी स्काईलाइन में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी सी सिटी बनाते हैं। बट आज जो हम सिटी बनाने वाले हैं वो बनाएंगे इस छोटे से आइलैंड पे जिसके चारों तरफ इतना बड़ा ओशन है। अब मुझे भी नहीं पता मैं इस पे कैसे बनाऊंगा। बट गाइस तुम्हारे भाई ने मार्स चैलेंज पूरा किया है, मून चैलेंज पूरा किया है, यहाँ तक कि नो वाटर चैलेंज भी पूरा किया है। बट जो आज का चैलेंज है वो इनसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो गाइस देखते हैं इस चैलेंज को हम आज पूरा कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो चलो आज जल्दी से वीडियो में छलांग लगाते हैं। गाइस तुम यहाँ पर देखो ये छोटा सा टापू है, भाई इतनी बड़ी सिटी हम इस पे कैसे बनाएंगे। और गाइस अपने चारों तरफ देखो इतना सारा वाटर है, भाई यहाँ पे लैंड नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो सिटी बनाने से पहले ना हमें यहाँ पे लैंड बनाना पड़ेगा, उस पे हम सिटी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लैंडस्केपिंग टूल लेते हैं। तो गाइस ये वाला ब्रश साइज ठीक है। और गाइस अपनी सिटी के लिए पहला लैंड यहाँ पे बनाएंगे ऐसे करके। और गाइस अब पानी को नीचे उतरने देते हैं, अभी बहुत ज्यादा पानी आएगा। ये देखो गाइस इसके बीच में से भी पानी आ रहा है। ओके जल्दी से हट रहा है ये। तो चलो गाइज यहाँ पर अपना लैंड बन गया, अब जल्दी से इस पर मैपिंग बनाते हैं। तो पहले हम 611 वाला रोड लेंगे और इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और इसको लेके चलते हैं इधर की साइड पे ऐसे करके। और इसको लेके आते हैं यहाँ पे और इसको रखेंगे यहाँ पे और इसको लगाएंगे यहाँ पे। और जो बीच वाले रोड है ना उनको ऐसे वन लेन का रखेंगे। तो यहाँ से हम वन लेन का लेते हैं ऐसे करके यहाँ पे और इसको लेते हैं यहाँ पे। ओके और गाइज ये देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया मैपिंग बन गई है यहाँ पे, भी बिल्कुल अच्छे बच्चे वाली मैपिंग बनाई है हमने। ओके तो यहाँ पे मैपिंग तो बन गया है, अब जल्दी से ना इस मिट्टी को हटा देते हैं जो यहाँ पे है। इसको यहाँ से ऐसे नीचे कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और जो साइड में ना वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस रखेंगे क्योंकि वो बढ़िया लगेगी। गाइज तुम भी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज हमने यहाँ पे मिट्टी तो हटा दी है, अब जल्दी से ना यहाँ पे लेवल कर देते हैं अभी पानी का। अगर हम नहीं करेंगे ना तो यहाँ पे सुनामी भी आ सकती है। और गाइज यहाँ पर देखो ये योट जा रही थी, अब हमने यहाँ की मिट्टी हटा दी ना तो अब इसको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है ये। और गाइज यहाँ पर देखो अपनी सिटी का प्लेटफॉर्म कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, भी कितना अच्छे से बनाया हमने। अब जल्दी से ना यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का काम कर देते हैं। तो देखो वाटर के लिए तो यहाँ पे इतना सारा पानी है, तो यहाँ पर ना वाटर पंपिंग स्टेशन लगा देते हैं ऐसे करके। ओके तो देखो हमारा यहाँ पे वाटर पंपिंग स्टेशन लग गया है। तो गाइज यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या करते हैं ना, भाई यहाँ पे अपने प्यारे प्यारे से सोलर पैनल निकालते हैं ये वाले। और गाइज जो 6 लेन की साइड में जगह है ना यहाँ पर हम अपने सोलर पैनल को लगा देंगे ऐसे करके यहाँ पे। और गाइज ये देखो भाई ये स्ट्रीट वाले सोलर पैनल लग रहे हैं, कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और ऐसे करके ना हम यहाँ पे भी लगा देंगे। और गाइज जो इनको है ना ऐसे कनेक्ट कर देंगे ये देखो। और गाइज एक बार सोलर पैनल देखो भाई कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, भाई यहाँ पे बस घर बनने बाकी हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं अपने बड़े वाले घर यहाँ पे और यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे छोटे वाले घर आ जाएंगे ऐसे करके। और ये देखो गाइज कितने ज़्यादा घर बन गए हैं, भाई यहाँ पे सीवेज की दिक्कत आ गई है। गाइज यहाँ पर मैं ड्रेन पाइप का सिस्टम लगाने भूल गया, भाई गंदा पानी भर गया लोगों के घरों में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो क्या करते ना यहाँ पे जल्दी से गाइज यहाँ पर ये वाटर ड्रेन पाइप नहीं लगाएंगे, भाई ये तो बहुत ज्यादा गंदा पानी कर देगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं, भाई ये क्या करेगा ना गंदे पानी को साफ करके वापस लोगों के घरों में भेज देगा। तो इसको यहाँ से लेके इसकी यहाँ पे पाइप कनेक्ट कर देते हैं। और गाइज ये देखो यहाँ पे गंदे पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बट गाइज एक बात देखो भाई यहाँ पे इतने सारे घर बन गए हैं, बट यहाँ पर देखो ये पॉपुलेशन 0 दिखा रहा है। गाइज अपनी सिटी में तो लोग ही नहीं है, ये देखो भाई घरों से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो गाइज मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या करते हैं अपनी सिटी में बंदे नहीं है बट हम बाहर से तो लेके आ सकते हैं ना, क्यों ना हम यहाँ पे एक बड़ा सा एयरपोर्ट बनाएं। और फिर एरोप्लेन से जो पैसेंजर आएंगे ना भाई वो अपनी सिटी में जब विजिट करेंगे तो इतनी प्यारी सिटी में वो खुद ही रहने के लिए आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने के लिए मुझे पहले ही ऐसे लैंड बनाना पड़ेगा। और ये देखो गाइज यहाँ पर एयरपोर्ट की मैपिंग बन गई है, भाई कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। अब जल्दी से ना यहाँ पे अपना एयरपोर्ट बना देते हैं, तो मे बी ये वाला सही रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसको यहाँ पर लगाते हैं। ओके तो गाइज ये देखो हमने यहाँ पे भी एयरपोर्ट बना दिया और कितना ज़्यादा कूल लग रहा है ये। और गाइज ये देखो यहाँ पे भी एरोप्लेन तैयार भी हो गया जाने के लिए। और गाइज ये देखो भी हौली हौली रनवे पे आ रहा है, अब ये जल्दी से बस पैसेंजर लेके आ गया अपनी सिटी में। मुझे नहीं पता ऐसा होगा या नहीं होगा बट कोशिश करने में क्या जाता है। और गाइज एक बार इसका व्यू लेते हैं अभी ये कैसे उड़ेगा ये देखो। और गाइज ये देखो अपना एयरपोर्ट उड़ के जा रहा है अपनी सिटी से, अब भी ये जल्दी से पैसेंजर लेके आ जाए बस। और देखो गाइज अपनी सिटी बिल्कुल सोनी पड़ी हुई है भाई, अब देखते हैं वो पैसेंजर लेके आता है या नहीं लेके आता है। तो गाइज अपना एयरप्लेन तो उड़ गया यहाँ से, तो जब तक के लिए यहाँ पे जहाज आने की वेट करते हैं।
ये देखो गाइस, हमारी उम्मीद की किरण उड़ती हुई आ रही है। अभी देखते हैं इसमें पैसेंजर है या नहीं है। भी अगर पैसेंजर नहीं हुए ना, हमारी ये सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। और गाइस, यहाँ पर ग्रीन वाला प्लेन उड़ के गया था, बट ये जो वापस आया ना, ये रेड वाला आया है। अभी तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। भी खाली आया है क्या ये? और गाइस ये देखो भाई, यहाँ से पैसेंजर आ गए हैं। भी ये देखो कौन सी गाड़ी लेके आया। भी बुगाटी शेरोन लेके आया है, वो भी सियान कलर की। कितनी ज्यादा महंगी होती है ये। और गाइस यहाँ पर देखो, ये गार्बेज की दिक्कत आ रही है। ये देखो गार्बेज स्पिल्ड अप। भी ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो गाइज क्या करते हैं ना, जैसे हमने ये दो लैंड बनाया ना, तो ऐसे करके हम एक गार्बेज लैंड बना देंगे और उस पर अपनी लैंडफिल साइट लगाएंगे। अगर हमने सिटी के बीच में लगा देना, अभी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। तो गाइज इस जगह पे हम अपना गार्बेज वाला लैंड बनाएंगे। और गाइज यहाँ पर देखो अपना गार्बेज लैंड कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। और गाइज इसकी मैपिंग देखो एक बार, कितनी डब्बे डब्बे वाली है। बट ये इतनी ज्यादा परफेक्ट है ना, तुम्हें मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइज, इन डब्बे में ना हम अपनी लैंडफिल साइट लगा देते हैं ऐसे करके। तो ये देखो गाइज, यहाँ पर लैंडफिल साइट बिल्कुल फिट आ गई है। और गाइज जो ये वाली जगह बच गई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे गार्बेज प्रोसेस होने के लिए ना इंटरसेक्शन प्लांट लगा देंगे ये वाला। ये देखो एक यहाँ पे लग जाएगा और एक यहाँ पे। तो ये देखो गाइज कितनी ज्यादा परफेक्ट मैपिंग हुई है। मतलब यहाँ पे गार्बेज आएगा और सीधा इन फैक्ट्री में आके जल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे गार्बेज की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। बट मुझे अपनी सिटी देख के ना अभी याद आया, अभी मैंने यहाँ पे कोई हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी वगैरह लगाई नहीं है। भी अपनी सिटी के बच्चे ना सारे अनएजुकेटेड हैं। तो गाइज क्या करते हैं ना, अपनी सिटी में जो ये दो जगह है ना, यहाँ पे हम हाई स्कूल लगा देते हैं। तो गाइज यहाँ से हाई स्कूल लेते हैं, इसको लगाते हैं यहाँ पे, और जो एलिमेंट्री स्कूल है ना, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखो गाइज, मैंने यहाँ पे हाई स्कूल और एलिमेंट्री स्कूल तो लगा दिए हैं, बट जो ये बीच में जगह ना, ये अच्छी सी नहीं लग रही। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पे जैपनीज गार्डन लगा देते हैं। और ये देखो सभी लोग खुश हो गए हैं। और गाइज ये देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ये। और गाइज जो अपना ये वाला खाली एरिया ना, यहाँ पे क्या करते हैं, बड़ी सारी यूनिवर्सिटी लगा देते हैं। तो ये वाली यूनिवर्सिटी लगाते हैं यहाँ पे। और देखो गाइज बिल्कुल परफेक्ट जगह बनी है अभी इसके लिए। और गाइज जो साइड में जगह है ना, यहाँ पे हम अपने पाम ट्री लगा देते हैं, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। और गाइज देखो कितनी ज्यादा बढ़िया यूनिवर्सिटी लग रही है भाई। अभी तो इसमें कोई बच्चा नहीं है, बट देखना जब वहां से 12th पास करके आएंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। और गाइज जो स्कूल के पीछे जगह है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, एक और जैपनीज गार्डन लगा देते हैं ऐसे करके। और जो साइड में जगह ना, यहाँ पे हम पार्किंग बना देंगे ऐसे करके। और यहाँ पे क्या करते हैं ना, बीच में कुछ ट्री लगा देते हैं। तो अपने पाम ट्री निकालते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये देखो गाइज कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं भाई। गाइज ये देखो भाई, एयरपोर्ट में आग लग गई है। गाइज यहीं से तो लोग आ रहे थे, बट यहाँ पर देखो कितनी भयंकर आग लग गई है। भी आग यहाँ तक फैल गई है ये देखो। वो भी जल्दी से फायर स्टेशन वाला कोई आ जाओ। अरे ये देखो गाड़ियां आ गई, अभी तीन तीन गाड़ियां आ गई, जल्दी से बुझा दो आग को। गाइज मुझे यहाँ पे एक फायर डिपार्टमेंट लगा देना चाहिए, भाई यहाँ पे कभी भी आग लग सकती है। तो गाइज इसको यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे करके। और गाइज यहाँ से इसको ऐसे हटा देते हैं और इसको यहाँ पे से हटा देते हैं। और गाइज यहाँ पर हाई डेंसिटी का जोन बना देंगे, भाई ये लग्जरी एरिया है। और गाइज एक यहाँ पे हेल्थ क्लिनिक लगा देते हैं ऐसे करके। और इसके साइड में भी ये पार्किंग लगा देंगे। ये देखो गाइज कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। हमने अपनी सिटी में पुलिस डिपार्टमेंट बनाया है, फायर स्टेशन बनाया है और यहाँ तक सेमेट्री बनाई है। बट गाइज एक इम्पोर्टेंट चीज हमने अपनी सिटी में लगाना भूल गए भाई, वो है हेल्थ क्लिनिक। भाई वो तो मैं भूल ही गया था। तो जल्दी से ना इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और गाइज जो ये बीच का हिस्सा है ना, ये थोड़ा कंजस्टेड सा हो रहा है। तो क्या करते हैं ना, फायर डिपार्टमेंट को लेके आते हैं यहाँ पे और पुलिस स्टेशन को लेके आते हैं यहाँ पे। और जो इनके बीच में थोड़ी सी जगह बच गई है ना, यहाँ पे भाई हम ये वाले ट्री लगा देंगे। तो ये देखो गाइज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और गाइज जो अपनी यूनिवर्सिटी के सामने ये खाली जगह है ना, भाई यहाँ पे कूल कूल से पार्क लगा देते हैं। तो एक ये डॉग पार्क आ जाएगा यहाँ पे और एक ये स्मॉल पार्क आ जाएगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे बीच में जो जगह बच गई है ना, भाई यहाँ पे ये ट्रॉपिकल गार्डन लगा देते हैं। ये देखो बिल्कुल फिट आ रहा है इसमें। और गाइज ये देखो भाई कितनी ज्यादा कूल जगह लग रही है ये। यहाँ पे ये दो डॉग पार्क हैं और जस्ट इसके सामने ये ट्रॉपिकल गार्डन है। देखो कितना ज्यादा कूल लग रहा है ये। और गाइज अपने एयरपोर्ट लैंड पे तो कोई पार्क ही नहीं है, तो गाइज यहाँ पे खेलने के लिए एक टेनिस कोर्ट लगा देते हैं और एक यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट लगा देंगे। भाई यहाँ पे लग्जरी बंदे हैं तो उनको खेलने के लिए कुछ चाहिए तो। और गाइज जो अपने एयरपोर्ट के सामने वाली जगह ना, भाई यहाँ पे प्लाजा ट्री वाले पार्क लगा देंगे। भाई यहाँ पे लोग आराम से बैठ के कॉफी वगैरह पी सकते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं भाई, एक बैलून टूर लगा देते हैं। ये देखो यहाँ से बैलून उड़ गया। अब भी ये पूरे अपने आइलैंड का टूर देगा, अपने गार्बेज लैंड का और अपनी सिटी लैंड का और यहाँ पे एयरपोर्ट लैंड का। यहाँ पे बर्थडे पार्क लगा देते हैं ऐसे करके। अगर गाइस किसी का बर्थडे है तो यहाँ पे आके वो मना सकता है। अगर तुम्हारा तो तुम भी आके मना लेना, बस मुझे पार्टी में जरूर बुलाना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसके पीछे थोड़े ये पाम ट्री लगा देते हैं और थोड़े से अपने पुलिस डिपार्टमेंट के साइड में लगा देंगे।
और ऐसे ही हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो गाइज अब देखो अपना एयरपोर्ट लैंड कितना ज्यादा कूल लग रहा है भाई। ओ गाइज ये देखो भी एयरपोर्ट से कितने ज्यादा लोग उतरे हैं, ये देखो गाइज इधर भी है ये। ओके तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। तो तुमने देखा होगा पूरी वीडियो में कैसे इंडस्ट्री की बार बड़ी हुई थी। तो गाइज जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इंडस्ट्री का काम करेंगे। तो अगर गाइज तुम्हारे भी दिमाग में कोई तूफानी सा आइडिया आ रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक जरूर करना और दोस्तों को शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ तुम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।